जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के खास तौर पे हर प्रांत से आए युवा कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की टीम, श्रीनगर की टीम, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी, यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्र में कार्य समिति के सदस्य बिलाल जी, अजीत जी, मेरे भाई और बहन, आज सबसे पहले मैं नमन करता हूं, जो कि आज इतिहास सकते हैं। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, अपना तन, अपना मन। जब पाकिस्तान टाइगर हिल पर युद्ध चल रहा था, कारगिल का वो युद्ध, जिस युद्ध के अंदर हमने अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का, अपनी राष्ट्रभक्ति की प्रकाशता का हमने परिचय दिया। आज ऐतिहासिक दिन है, ये हमें याद कराता है कि भारत सदा से, सदियों से शांति की भूमि है। हमने कभी किसी पे हमला, आज की गवाह है कि भारत का बेटा चाहे कर्नाटक से आया हो, चाहे वो तेलंगाना से आया हो, चाहे वो लक्षद्वीप से आया हो, और चाहे वो पंजाब से आया हो, जम्मू कश्मीर से आया हो, यहाँ की इंच इंच भूमि, पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं। सुनील भैया जिंदाबाद 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 जि
महोत्सव के शुभ अवसर पर कारगिल विजय दिवस की तिरंगा यात्रा कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक से शुरू होके कल कारगिल में संपन्न हो जाएगा। आज ये कार्यक्रम ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 370 हटाने के बाद पहली बार लाल चौक की घंटा घर के सामने एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने पे मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज सफल किया। साथियों, आज यहां इस लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहे हैं तो इसके पीछे लाखों करोड़ों भारतीय नौजवानों का त्याग तपस्या और बलिदान है। मैं आज ऋषि कश्यप के इस पुण्य धरती कश्मीर से उन सभी जवानों को, आर्मी के ऑफिसर्स को, लाखों करोड़ों युवा नौजवानों को मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं आप सभी के ओर से, जिनके बलिदान, जिनके त्याग और तपस्या के वजह से आज तिरंगा इस लाल चौक पे लहरा रहे। साथियों, देश के सभी प्रदेश से 75 से अधिक युवा मोर्चा कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेश के शहीद जवानों के घर के सामने के आंगन से मिट्टी एक कलश के रूप में यहां ले आए। 1992 में जब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने भटालक और दूसरे सेक्टरों से अंदर जाकर घुस के यहां हमारी सरहदों पे बुरी नज़र डालने की जो एक हिमाकत की थी, भारतीय फौज ने अपनी शूरता और अपनी कुर्बानियां देकर उन जो पाकिस्तानी फौज है दहशतगर्द उनको मार मार के खदेड़ खदेड़ के बाहर उनको निकल दिए। और आज उसी विजय दिवस पे, जिसको हम विजय दिवस के नाम पे से याद कर रही है, जिस तरह भारत के फौजियों की शूरता, भारत के फौजियों की वीरता, उसको हम विजय दिवस के नाम पर मनाते, आज भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग की तरफ से श्रीनगर के इस हिस्टोरिक लाल चौक घंटाघर से एक बाइक रैली निकलेगी, जिसमें 120 जो बाइकर्स हैं वो बाहर के स्टेट्स के रहेंगे और 180 जो बाइकर्स हैं वो लोकल कश्मीरी यूथ होंगे, जो यहाँ से जाते हुए आज यहाँ उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो उनको फ्लैग अप करेंगे और यहाँ से निकल कर वो 26 तारीख को कारगिल वार मेमोरियल पर विजय दिवस में वहाँ शिरकत करेंगे। उन भारत की फौजियों को जिन्होंने देश की हिफाजत करते हुए, सरहदों की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, वहाँ उनको श्रद्धांजलि देंगे, वहाँ से वो कल उनका तो वो। और जहाँ तक लोगों की बात है, आप देखिए अभी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है हिस्टोरिक लाल चौक में जो आज रैली हो रही है ये एक ऐतिहासिक रैली होगी, एक हिस्टोरिक रैली होगी। लाल चौक कम पड़ जाएगा, इतने लोग आएंगे क्योंकि आज का कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का बुजुर्ग, कश्मीर का आम शहरी आज चाहता है कि वो तिरंगा हाथ में लेकर तिरंगा लहराए। क्योंकि ये भी आपको याद होगा कि जो आप चेंज देख रहे हैं, जो आप सो आज की डेट में देख रहे हैं, ये वही लाल चौक है जहां 5 अगस्त 2019 के पहले यासीन मलिक जैसे दहशतगर्दों का या हुर्रियत का जहां कब्जा रहता था, जहां जनाजे मिलिटेंटों के पड़े जाते रहे, आज ये चेंज आई है कि इस ऐतिहासिक लाल चौक में आज तिरंगा रैली हो रही है और उस बड़ी तादाद में उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। आज हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम जम्मू से श्रीनगर जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पे लाल चौक में आए हैं और यहाँ बाइक रैली जो है उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम तेजिंदर सिंह तिवाना है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं मुंबई को रिप्रेजेंट करता हूँ, पूरे देश के इमोशन जुड़े हुए हैं इस लाल चौक से और लॉर्ड लाल चौक से। इतना भव्य तिरंगा यात्रा निकालने आ रहे हैं कारगिल जो हमारे शहीद जवान थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हम सभी के लिए एक भावनापूर्ण एक मोमेंट है हमारे लिए।